हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग की समस्या होती है तो इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, सफ़ेद दाग जो होता है वह एक स्किन रोग होता है जो कि सिर्फ आपकी स्किन में होता है और जो शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। प्रारंभ में ही इसका उचित इलाज नहीं किया गया तो यह बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। इस रोग में शरीर के किसी हिस्से में शुरू में एक छोटा सा सफ़ेद दाग दिखाई देता है, इसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका प्रमुख कारण होता है पित्त दोष। यदि किसी व्यक्ति के को पित्त संबंधी समस्या है या फिर पित्त की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से सफ़ेद दाग की समस्या हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कारण बताने वाली हूँ जो कि सफ़ेद दाग के होते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को गैस की समस्या होती है, यानी कि डाइजेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, लीवर में किसी तरह की समस्या है तो इसकी वजह से सफ़ेद दाग हो सकता है। अत्यधिक चिंता और तनाव भी सफ़ेद दाग का एक कारण होता है। साथ ही मछली और दूध का सेवन एक साथ करना, मछली या फिर मांस के साथ दूध का सेवन करना, यह भी सफ़ेद दाग का एक कारण होता है। पेट में कीड़े होना, कैल्शियम में कमी होना, शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है तो इससे भी सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है। रक्त दोष, यदि रक्त में किसी तरह का विकार है, रक्त में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यह भी इसका एक मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों, एक और कारण इसका हो सकता है जैसे कि अनुवांशिकता, यानी कि यदि परिवार के किसी सदस्य में इस तरह की समस्या है, जैसे कि आपके माता पिता, तो आप में भी यह समस्या होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। यह समस्या जलने कटने से भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो कि सफ़ेद दाग के होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि किसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।